आनंदपुर नाम के गांव में रोजी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। रोजी की सौतेली माँ रीटा बहुत ही जालिम थी। रोजी के पिता की मौत के बाद रीटा ने रोजी की पढ़ाई छुड़वाकर उसे मजदूरी के काम पर लगा दिया था। बेचारी रोजी सारा दिन धूप में मजदूरी करती और शाम को उसे जो पैसे मिलते वो सारे पैसे रीटा को दे देती थी। दूसरी तरफ रीटा सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती थी और साथ ही हर हफ्ते अपने लिए शॉपिंग करती थी। रीटा हमेशा नई नई साड़ियां पहनकर घूमा करती थी, वही रोजी फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने दिन बिता रही थी। फिर एक दिन, रोजी हमारे गांव के पास लड़कियों का एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। जीतने वाली लड़की को नगद इनाम के साथ साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी मिलेंगे। मैं तो उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हूँ। मेरी मान तो तू भी उसमें हिस्सा ले। हाँ, तूने सही कहा। उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। तू तो देख रही है ना, साल भर से मैं वही फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी जिंदगी काट रही हूँ। शायद इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से मेरे दिन बदल जाएं। लेकिन उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ अच्छा मेकअप और सुंदर कपड़े पहनकर आएंगी। हमारे पास तो ना ही मेकअप खरीदने के पैसे हैं और ना ही कपड़े। फिर हम उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा कैसे ले पाएंगे? हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हमें आज से ही थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने चाहिए ताकि हम अपने लिए एक सुंदर ड्रेस और मेकअप का थोड़ा सा सामान खरीद पाएं। हम तो अपने पैसे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन तू अपने बारे में सोच। तेरी दुष्ट सौतेली माँ रोज तुझसे सारे पैसे छीन लेती है, फिर भला तू पैसे कैसे जोड़ पाएगी? हाँ, मेरी माँ बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी मैं पैसे बचाने की कोशिश करूँगी। फिर उसी शाम जब रोजी घर जाती है तो रीटा उससे उसकी मजदूरी के पैसे मांगती है। माँ, हमारे गांव के पास ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है, मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। इसलिए मेकअप और नई ड्रेस खरीदने के लिए मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ। आप मुझे इन पैसों में से 100 रुपए दे दीजिए। बेकार की बातें मत कर, जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल देख। तेरी जैसी बंदरिया को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में घुसने भी नहीं देंगे, समझ गई ना? मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाली। जा, जाकर मेरे लिए खाना पका। रीटा की ये बात सुनकर रोजी को बहुत गुस्सा आता है। माँ, सच में तुम बहुत मतलबी हो। सारा दिन मेहनत करके मैं पैसे कमाती हूँ, एक तो तुम मेरे पैसों पर मौज कर रही हो, ऊपर से मुझे ही पैसे देने से मना करती हो। आज के बाद मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगी। इतना कहकर रोजी रीटा के हाथ से पैसे छीन लेती है। इस बात से रीटा गुस्से से दिल मिला जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रही है? रुक जा, अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। उसके बाद रीटा रोजी की पिटाई करने लगती है और चाकू से उसके चेहरे पर वार करके उसका चेहरा बुरी तरह खराब कर देती है। अभी तो मैंने सिर्फ तेरा चेहरा बिगाड़ा है, अगर आज के बाद तूने मुझसे किसी भी तरह की बदतमीजी की तो मैं तेरा गला काट कर तुझे जान से मार दूंगी, समझ गई ना? अपने चेहरे को आईने में देख रोजी फूट फूट कर रोने लगती है। इस जालिम औरत ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, अब मैं और जीना नहीं चाहती। मैं अभी जाकर अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद रोजी भागती हुई गांव के पास वाली झील में कूद जाती है। लेकिन उस झील में एक दयालु जलपरी रहती थी, वो रोजी को बचाकर अपने घर ले जाती है। जलपरी बहुत ही शक्तिशाली थी, वो अपनी शक्ति से रोजी के बारे में सब पता कर लेती है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गई हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, जिस वजह से तुम आत्महत्या करने चली आई। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर पालूंगी। आज के बाद तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जलपरी अपना जादुई मेकअप निकालकर रोजी के चेहरे पर लगाने लगती है और देखते ही देखते जादुई मेकअप रोजी को बहुत खूबसूरत बना देता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे अपनी खूबसूरती पर यकीन ही नहीं हो रहा। बेटी, मैंने तुझे खूबसूरत तो बना दिया, अब तुम जाकर अपनी जालिम माँ को सबक सिखाओ। उसके बाद जलपरी
रोजी को एक जादुई छड़ी दे देती है। रोजी उस जादुई छड़ी को लेकर रीटा के पास पहुंच जाती है। अचानक रोजी की खूबसूरती देख रीटा को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन तभी रोजी जादुई छड़ी की शक्ति से रीटा की चोटी पेड़ पर बांध देती है। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। उसके बाद रोजी रीटा के ऊपर गर्म तेल की बारिश कर देती है। हाय, मर गई, मेरा शरीर जल गया, अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे बहुत जलन हो रही है। उसके बाद रोजी बड़े डंडे से रीटा की पिटाई करती है। हाय, मर गई रे, मेरी टांग टूट गई, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह देखते ही देखते रोजी रीटा का बुरा हाल कर देती है। रीटा को सबक सिखाने के बाद रोजी को सुकून मिलता है। उसके बाद वो वापस जलपरी के घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रोजी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेती है। रोजी की खूबसूरती के कारण वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लेती है। दूसरी तरफ वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रोजी जलपरी के साथ रहते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। किसी गांव में सोनम नाम की लड़की अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल एक बूढ़े जादूगर के पास जादू सीख रहा था ताकि वो बड़ा जादूगर बनकर पूरी दुनिया में अपना नाम कर सके। फिर एक दिन, सुनो राहुल बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे घर का ख्याल रखना, ये रही घर की चाबी। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर वहां से चला जाता है। जादूगर के जाने के बाद राहुल घर में रखी जादुई झाड़ू पर बैठ जाता है और हवा में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। चलो सोनम, आज मैं तुम्हें जादुई झाड़ू पर बैठा कर सुंदर सुंदर जगहों की सैर करवाऊंगा। उसके बाद राहुल सोनम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर आसमान की सैर कराने लगता है। अरे वाह राहुल, आसमान से नीला समुंदर तो कितना खूबसूरत दिखता है, सच में ऐसा अद्भुत नजारा देखकर बहुत मजा आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने सामने बादलों के पर दो आम के घर दिखाई देते हैं। आम के घर बहुत ही सुंदर थे। वो देखो सोनम, बादलों के ऊपर दो आम के घर हैं। फिर राहुल जादुई झाड़ू दोनों आम के घर के पास ले जाकर रोक देता है। तभी राहुल खिड़की से देखता है कि अंदर एक खूबसूरत लड़की जो किसी राजकुमारी की तरह दिख रही थी, वो एक मुलायम बिस्तर पर आराम से सो रही थी। राहुल उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसकी आंखें लड़की की खूबसूरत चेहरे पर टिक जाती हैं। वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। राहुल के मुंह से गैर लड़की की तारीफ सुनकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति, तुम मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन राहुल पर उस लड़की की खूबसूरती हावी हो जाती है और वो सोनम को धक्का देकर दूर कर देता है। चल हट यहाँ से, तू इस लड़की के पैरों की नाखून के बराबर भी नहीं है, अब तो मैं इस खूबसूरत लड़की से शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके बाद राहुल दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल उस लड़की को उठाने के लिए उसे छूता है कि तभी अचानक उसकी गर्दन कटकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। ये देख राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फिर लड़की का कटा हुआ सर एक डरावनी चुड़ैल के चेहरे में बदल जाता है। मैं एक सरकटी चुड़ैल हूँ, आखिर इतने सालों के इंतजार के बाद कोई नौजवान मेरे जाल में फंसी गया, अब तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, मैं कई सालों से प्यासी हूँ, आज मैं तुझे मार कर पेट भर तेरा खून पीऊंगी। तभी खिड़की के पास खड़ी सोनम जोर से चीख पड़ती है।
सोनम को देख चुड़ैल का धर सोनम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सोनम जादुई झाड़ू पर बैठकर वहां से भाग निकलती है। उसकी बात सोनम राहुल की जान बचाने के लिए उस बूढ़े जादूगर के पास पहुंच जाती है और उसे अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। उसके बाद बूढ़ा जादूगर अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकालता है और सोनम को लेकर बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। इस दूसरे आम के घर के अंदर ताबूत मौजूद है, हमें चुड़ैल को पकड़कर इस ताबूत के अंदर बंद करना होगा। उसके बाद जादूगर उस घर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अंदर रखा ताबूत उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ चुड़ैल राहुल को अपनी नुकीले नाखूनों से मारकर बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन तभी बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के धड़ को बिजली के झटके देने लगता है। हाय मर गई रे, ये खतरनाक जादूगर कहाँ से आ गया रे, कोई बचाओ मुझे। तभी जादूगर चुड़ैल के धड़ को रस्सी से बांधकर उसकी कटे हुए सर को हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। फिर जादूगर चुड़ैल के धड़ और सर को ले जाकर ताबूत के अंदर बंद कर देता है और मंत्र पढ़कर उस ताबूत को आग लगा देता है। देखते ही देखते वो ताबूत जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। ओ मुझे माफ कर दो सोनम, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राहुल की बात सुनकर सोनम उसे माफ कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन सोनिया परिया और उसकी सहेलियां मटके से बने घर के ऊपर सवार होकर आसमान में उड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक उस मटके घर के ऊपर जोरदार बिजली गिरती है, जिस वजह से वो मटका घर बुरी तरह टूट जाता है और सभी परियां आसमान से जमीन की ओर गिरने लगती हैं। तभी खेतों में काम कर रहे कुछ लड़कियां ये नजारा देख लेती हैं। अरे वो देखो, आसमान में कुछ अजीब घटना हो रही है। अरे हाँ, ये तो खूबसूरत परियां आसमान से गिर रही हैं। ये नजारा तो बहुत ही अद्भुत है, ऐसा लगता है मानो परियों की बारिश हो रही हो। इतनी सारी परियां एक साथ मैंने कभी नहीं देखी। फिर देखते ही देखते सारी परियां एक बड़ी सी झील के अंदर आ गिरती हैं। चलो हमें जल्दी से उन परियों को बचाना होगा, कहीं झील में डूबने से उनकी मौत ना हो जाए। फिर गांव की लड़कियां दौड़कर झील के पानी में छलांग लगा देती हैं और एक एक कर सोनिया और उसकी सहेलियों को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन तब तक सारी परियां बेहोश हो चुकी थी। अरे ये परियां तो बेहोश हो गई है, चलो इन्हें उठाकर अपने गांव ले चलते हैं। उसके बाद वो लड़कियां सभी परियों को उठाकर अपने गांव ले जाती हैं और उन्हें बिस्तर पर लेटाकर उनकी मलहम पट्टी कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद परियों को होश आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद सभी परियां भूख से परेशान होकर खाना मांगने लगती हैं। इन्हें तो बहुत जोर से भूख लगी है, चलो इन्हें खाना देते हैं। फिर गांव की लड़कियां सभी परियों के सामने ढेर सारा खाना रख देती हैं, लेकिन खाना खाते ही सभी परियां उल्टियां करने लगती हैं। हम इंसानों का खाना नहीं खा सकते, हमारे शरीर को सिर्फ परिदेश का खाना खाने की आदत है, लगता है हमारी जादुई छड़ी झील में गिर गई है। मेहरबानी करके तुम सब हमारी जादुई छड़ियां ढूंढ कर ला दो, बिना जादुई छड़ी के हम अपने परिदेश नहीं लौट पाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम सभी इसी वक्त झील में जाकर तुम्हारी जादुई छड़ियों को ढूंढ लाएंगे। उसके बाद गांव की सभी लड़कियां झील के पानी में उतरकर जादुई छड़ियों को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई जादुई छड़ी नहीं मिलती और वो सभी निराश होकर वापस गाँव लौट जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, लगता है हम अपने परिदेश कभी नहीं जा पाएंगी, और दूसरी तरफ यहाँ का खाना भी हमें हजम नहीं हो रहा,
इस तरह हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। फिर सभी परियां अपनी बुरी किस्मत पर दुखी होकर रोने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक गांव में एक विशाल रूप धारण की जादूगरनी प्रकट हो जाती है। इस जादूगरनी का इतना बड़ा डरावना रूप देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। उस जादूगरनी के हाथ में एक बहुत बड़ी चमकदार जादुई छड़ी मौजूद थी। कहाँ है वो परियां? जल्दी से उन परियों को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर सोनिया परी अपनी सहेलियों के साथ दौड़ती हुई घर से बाहर निकल आती है। अरे तू कौन है और हमसे क्या चाहती है? मुझे झील के पानी में तुम सब की जादुई छड़ी मिली थी, उन छड़ियों को जोड़कर मैंने ये विशाल जादुई छड़ी तैयार कर ली। अब मैं तुम सब की परियों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, इन बेचारी परियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन्हें छोड़ दो। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो खामोश हो जा लड़की, वरना मैं इसी वक्त तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी जादुई छड़ी से ढेर सारी बिजली प्रकट करने लगती है। ये देख सभी गांव वाले घबरा कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जैसे ही जादुई छड़ी पर गिरता है कि तभी जादूगरनी को बिजली के झटके लगने लगते हैं। फिर जादूगरनी के हाथ से जादुई छड़ी छूट जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरी हड्डी पसली टूट गई, अरे कोई मेरी मदद करो। तभी मौका देखकर सोनिया परी उस विशाल जादुई छड़ी के पास पहुंचकर मंत्र पढ़ने लगती है और अगले ही पल विशाल जादुई छड़ी वापस छोटी छोटी छड़ियों में बदल जाती है। उसके बाद सभी परियां अपनी जादुई छड़ी उठा लेती हैं। चलो इस बुरी जादूगरनी को सबक सिखाते हैं। फिर वो सभी परियां जादूगरनी के शरीर पर एक बड़ा पत्थर बांध देती हैं और अपनी जादुई शक्ति से उसे हवा में उड़ाती हुई झील के पानी में फेंक देती हैं। पानी में डूबने से जादूगरनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद सभी परियां गांव वालों का शुक्रिया अदा कर उन्हें इनाम के तौर पर ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वापस अपने परिदेश लौट जाती हैं।